नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं और किसी शुभ कार्य की यदि यात्रा करने जा रहे हैं या फिर किसी लड़की को देखने जा रहे हैं तो उनका वह यात्रा विफल हो जाती है। और यदि आप भी यात्रा करने जा रहे हैं तो उन बातों पर ध्यान देने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ कुछ उपाय। यदि आपके लकी नंबर से आप किस तरह से यात्रा कर सकते हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आपके लकी नंबर 1 से लेकर 4 तक यानी कि 1, 2, 3 और 4 हैं तो ऐसे व्यक्ति हमेशा यात्रा करते वक्त अपने यात्रा पर ध्यान दें कि वह लाल कलर का बैग लेके जाए या फिर लाल कलर का सूटकेस लेकर जाए ताकि उनकी जो यात्रा है वह उनकी यात्रा सफल हो जाए। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि यात्रा करने जब जा रहे हैं तो वह अपने पीछे मुड़कर ना देखें। हमेशा अपनी यात्रा करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि जब भी कोई रोका टोकी करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसे इससे दूर रहे। और अपने घर से जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो कुछ मीठा खाकर जरूर जाएं, चाहे वह दही चीनी हो या फिर गुड़ हो। आप थोड़ा सा भी गुड़ अपने मुँह में रखकर निकल सकते हैं ताकि आपके कार्य जल्दी से बन जाए। नंबर 2, यदि आपका लकी नंबर 3, 6 या 9 है, इन लकी नंबर के अनुसार आप यदि यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो यात्रा पर भी ध्यान दीजिए। आप घर से छाछ लेकर निकले या फिर दही लेकर निकले और साथ के साथ अपने इस घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ें। यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हो जाए और आपके कार्य में कोई भी परेशानी ना हो और आपके कार्य में कोई भी बाधा ना आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हनुमान चालीसा पढ़कर जाएं। कहा जाता है जब भी आप शुभ कार्य के लिए जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ श्रोत पढ़कर जाते हैं तो वह आपका कार्य अच्छे से बन जाता है बिना बाधा के। नंबर 3, यदि आपके लकी नंबर 2, 5 और 7 हैं तो आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो बुधवार का दिन सबसे उचित माना जाता है। और बुधवार के साथ साथ आप अपने घर में सभी कार्य को सफलता के साथ करते जाइए और भगवान गणेश के मंदिर में जो भी आपके रास्ते में पड़े उस मंदिर में आप लड्डू जरूर अर्पित करें। और भगवान गणेश का हो तो और भी अच्छी बात है क्योंकि आपके बिगड़े हुए काम वही संभाल सकते हैं। और यदि अपने घर से निकलते वक्त अपने मंदिर में कुछ पैसे रखकर जा रहे हैं तो काम बनने के बाद घर पर आकर उसी पैसों का आप अपने घर में प्रसाद बांट दीजिए। ऐसा करने से आपके काम तो जरूर बन ही जाता है और साथ के साथ जो भी आपने प्रार्थना करी है या फिर जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वह भी काम हो जाता है। नंबर 4, यदि आपका लकी नंबर 8 है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त हों तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर से निकलने से पहले अपने पास एक छाछ का मग भर लीजिए या फिर बोतल में छाछ भर लीजिए और उसे अपने घर से लेकर निकलें और अपने मंदिर में कुछ पैसे दान पेटी में रख दीजिए ताकि आप आते वक्त जब आपका काम हो जाए उसी पैसों का प्रसाद बांट सके। आपके लिए दिन शुक्रवार बहुत अच्छा है। जब भी आप यात्रा की सोच रहे हैं या फिर विचार कर रहे हैं तो उसके लिए आप शुक्रवार का दिन ही अपना सकते हैं। जब भी आप शुक्रवार के दिन इस यात्रा पर निकलते हैं तो आपके कार्य सफल हो जाएंगे। साथ के साथ यदि आप सैंडल जूते पहनकर जा रहे हैं तो उसका भी खास ख्याल रखें। अक्सर देखा जाता है कि आप शॉप में कुछ और पहनकर चले जाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को बिगाड़ लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो तो अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छे से बनाकर निकले ताकि आपके काम अच्छे से हो जाए। तो ये है नंबर के अकॉर्डिंग आपको किस दिन यात्रा करनी है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।